हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। आइए उनके आज के इस दौरे के बारे में हम बात करते हैं। सर, आज आप आए हैं, बहुत बड़ा संबल मिला है मृतक के परिवार को, तो क्या आर्थिक सहायता आप दे रहे हैं मृतक के परिवार को? देखिए, जो सरकार की ओर से हो सकता है, संगठन की ओर से हो सकता है, वो परिवार हमारा बाहर का नहीं है, पार्टी का परिवार है और इतना समर्पित कार्यकर्ता पार्टी का काम करते हुए वह हम सबको छोड़ करके गए हैं। जगदीश कुशवाहा जी के पूरे परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और जो सहायता सरकार की ओर से दी जा सकती है वो सहायता भी दी गई है। और यह कोई सहायता से कार्यकर्ता जो पार्टी का काम करते हुए बलिदान दिया है वह उसकी कोई तुलना नहीं होती है। हम लोग यह मानते हैं कि जगदीश कुशवाहा नहीं रहे हम सबके बीच में, तो आप पूरा परिवार का उत्तरदायित्व तो हम सबका मिलकर के है और उसका ध्यान रखेंगे। सर, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मांग किए हैं, जानकारी है, जो विचार करने योग्य होगा जरूर विचार करेंगे। डिप्टी सीएम का कहना है कि जो भी विचार करने योग्य होगा वो किया जाएगा और हर संभव मदद मृतक के परिवार की जाएगी। कासगंज से ईटीवी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा।